ये लोग जो बहुत ही ज़्यादा ओवर एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, तो इनको अब समझ में आएगा कि पब्लिक होती क्या है, पब्लिक का पावर क्या है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, जब भी फिल्म अगर इन लोगों का रिलीज होता है, चाहे मैं चाहता हूँ दोस्तों इन लोगों का जो फिल्म आता है उसको सीधा बहिष्कार किया जाए, पूरा पूरा बहिष्कार होना चाहिए। तब इनको मालूम पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो इन्होंने किया है वो क्या सही था या गलत था। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी, भीमबुता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सड़क 2 फिल्म जो हुआ है, ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बारे में, और करीना कपूर ने जो अपना जो कमेंट भी है, जो अपना जो एटीट्यूड दिखाया है, कमेंट दिखाया है, उसके बारे में और भी क्या क्या बातें हैं तो मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहें, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो। दोस्तों अभी 24 घंटा यानी एक दिन हुआ है फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुए, और यहाँ पर इसको 30 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 3 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा इस ट्रेलर को देख चुका है। ये ट्रेलर को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लाइक और डिसलाइक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें लाइक और डिसलाइक की दोस्तों, तो यहाँ पे जो निकल गया है सामने कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो उसमें मात्र 4 लाख से कुछ ज़्यादा लोग उसको लाइक किए हैं, और बाकी अगर डिसलाइक की बात करें तो 78 लाख यानी 7.8 मिलियन लोग इसको डिसलाइक किए हैं। तो दोस्तों फिल्म सड़क 2 का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसको देख कैसा लगता है कि पूरे जो बरसात का मौसम इस समय चल रहा है, सावन का महीना तो बीत चुका है, इस समय भदवारा चल रहा है, भादों का महीना भी चल रहा है, तो इस समय जो आप देखते हैं कि बरसात में गांव में एरिया में हर जगह पे जो सड़क में जो खड्डा हर जगह पर दिखाई देता है, तो ठीक उसी तरह से जो फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है सड़क 2 का, तो सेम उसी तरह से इस फिल्म में भी अभी खड्डा ही दिखाई दे रहा है। पब्लिक समझ चुकी है कि इनके साथ क्या करना चाहिए। ये पहले जब चलता था कि इंडस्ट्री में लोगों का राज एक कपूर और खान खानदान का, जो बड़े बड़े एक्टर थे, पुराने एक्टर थे, उनके हीरो हीरोइन के लड़के को लॉन्च किया जाता था, बाहरी लोगों को अगर वो कोई आता है, बाहर से अगर कोई आता है उस फिल्म इंडस्ट्री में तो उसको दबा दिया जाता है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, चाहे कपूर खानदान का हो, भट्ट खानदान से हो, चाहे खान खानदान से हो, तो उसको लॉन्च कर दिया जाता है फिल्म में, और उनको बड़े बड़े फिल्में मिल जाती हैं, बड़े बड़े लेवल अचीव करने को मिल जाता है। देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फिल्में थी, बहुत ही फिल्में जो हिट हैं, सुपर हिट हैं, लेकिन आज तक उनके फिल्मों को कभी अवार्ड नहीं दिया गया है। अब जब ये लोग देखें कि उनका फिल्म जो है हर कोई फिल्म हिट हो रहा है और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं, तो कपूर हो चाहे खान हो, हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके पीछे यानी उसको बोलते हैं ना कि इंडिया में तो एक प्रचलन चला हो कि जो भी आगे जाए तो उसका पैर पकड़ के खींचो, तो हर तरह अभी इंडस्ट्रीज में भी वैसा ही चल रहा है। भले ऊपर से चाहे कितनी भी चमकीली अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री दिखाई दे दे, लेकिन अंदर से पूरी गंदगी भरी हुई है। आप देख सकते हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मैटर निकल के आता है बॉलीवुड से कि लोग अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी जो सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है करीना कपूर खान का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक द ऑडियंस हैज मेड अस, नोबडी एल्स हैज मेड अस, द सेम पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स हैज आल्सो, दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स। ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, नोबडी हैज फोर्स्ड यू। वो क्या बोल रहे हैं कि हम किसी को बुलाने थोड़ी नहीं जाते, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि हमारे फिल्में आके देखो। लोग आते हैं हमारी फिल्मों को देखने के लिए, उनका चॉइस है, वो आते हैं नहीं आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है उन, यानी हम लोग यानी पब्लिक की उनको जरूरत नहीं है, वो फिल्म देखे ना देखे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब भूल गए हैं कि आज जिस लेवल पे वो लोग हैं, इस समय करोड़ों में अगर खेल हैं तो पब्लिक का देन है। पब्लिक जाती है उनके फिल्मों को हिट कराती है, पब्लिक जाती है उनको पसंद करती है, पब्लिक जाती है उनको हर तरह की यानी फ़ायदा पब्लिक से उनको मिलता है। और आज पब्लिक के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, पब्लिक का जो उनके दिल में पब्लिक के लिए जो इज्जत है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए पब्लिक को भी वो लोग ताक में रख के कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इस समय अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, इतना दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई इसका हल निकल के सामने नहीं आया। उसका मैटर क्या था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिलहाल सीबीआई जांच के लिए लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई भी, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, कोई भी इसके फेवर में नहीं आ रहा है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, चाहे कपूर खानदान से हो, चाहे खान खानदान से, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये लोग चाहते कि सीबीआई जांच ना हो। अगर ऐसा ना होता तो लोग जरूर आगे आते और बोलते कि हाँ सच में सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि जो भी सच है वो निकल के सामने आएगा तो उससे मालूम पड़ेगा कि हाँ क्या सच्चाई है। दोस्तों आप देखते हैं कि अलग अलग शहरों में, चाहे देहात में, चाहे गांव में, हर जगह पे एक्टिंग से कलाकार भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स फोर्स नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो लोग वहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँच जाएँ, बल्कि इनसे अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही खानदान को, अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, इसीलिए अपने बच्चे को हमेशा फिल्म में डालते जाते हैं, मानो जैसा बस इन्हीं का राज चलेगा बॉलीवुड में और इन्हीं को लोग यानी ये
कपूर खानदान का बेटा है, ये खान खानदान का बेटा है, ये भट्ट खानदान का बेटी है, क्या चल रहा है कुछ यार, पब्लिक को समझना चाहिए इस बात के लिए। तो इनका फिल्म जो है पूरा का पूरा बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार होगा तभी ये लोग समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।